दूल्हा हूँ मैं, दूल्हा समझ गा, थारी तरह न करो कुछ भी, कायदे की चीज पहनूंगा कुछ। शेरवानी ना पहने तो एक कम कर, मैक्सी पहन ले। और अगर मैक्सी अच्छी ना लगे तो पेटीकोट पहन ले, वो तो अच्छा भी लगे तो। अरे कम बोल ले, समझ गा, अपने बहू के लहंगा से मैचिंग की शेरवानी बनवाऊंगा, और एक 500 के नोटर की माला, ऊपर से एक सहरा, ओहो पूरे गांव में बस मैं ही दिखाई दूंगा यहाँ। ए सकल तेरी वो भैंसू मैच कर रही है, लहंगा मैच करने की बात कर रहा हूँ। अरे यार ज्यादा दिमाग खराब मत ना करो, तुम यार दूल्हे पे ध्यान न दे रहे। भाई यार पापा ने 5000 रुपए देने की बात कही है, 5000 में शेरवानी आ रही है, किराए पे लानी पड़ेगी। अच्छा तो फिर 500 के नोटन की माला क्या करूं? ओहो 500 की नोटन की माला, जैसे तेरे करम है ना, तो गधा बैठा के जूतान की माला पहना देंगे पापा। मैं ना कर रहा ब्याह, खुद ही कर लियो अपने आप ही जाके। अब ब्याह हो रहा, चुप कर ला, समझ गए, तेरे चक्कर मैं लेट हो रहा हूँ। मैं एक काम करूंगा, तो नकली नोटन की माला ले आऊंगा, 100 रुपए मिल जाएगी। नकली नोट जिन पे मनोरंजन बैंक लिखा रहा है? और कहा एक बार ब्याह हो रहा वहां में भी नकली नोट लगा दे तू। तो एक काम कर, 10-10 की 3-4 गड्डी मंगा लूंगा, जैसी तू बग्गी बैठोगे गैल खोल के ना छर्र कर देंगे, तेरी कसम गांव में नाम हो जाएगा तेरा। ओ खुशी को फोन आ रहा है, आते रहे यार, जब देखो गैल भाग जावे। यार मस्तानी तू ही बता कहां करूं यार, नकली नोटों से ब्याह करूंगा मैं, पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। हेलो बाबू, मो पता ही तेरा फोन जरूर आएगा। अच्छा अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूँ हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अच्छा बताओ आज क्या गिफ्ट चाहिए आपको? ना ना बाबू, मो ना चाहिए कोई गिफ्ट, तू है तो मेरा धारा है, फूल सा बालक मेरा, तू बता तो कुछ चाहिए मैं सब ला दूंगा तेरे मारा है। फिर तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भी तो आप हो ना। तो बताओ, मेरी गर्ल के सारे यार दोस्त अपनी बाबून के घूमने जा रहे हैं, मोसे पूछ रहे क्या तू ना जा रहा वैलेंटाइन डे पे कहीं। अच्छा तो फिर आपने क्या बोला? मैंने भी कह दी वैलेंटाइन डे न मनाया तो कहा होगा करवा चौथ का नाम सुनाओ ना, हम तो सीधा भी मनाएंगे। अच्छा मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बता बाबू। मुझे ना आपसे सॉरी कहना था, क्योंकि मैं ज्यादा फोन भी नहीं कर पाती, और हम लोगों की ज्यादा बात भी नहीं होती, और हम मिलते भी नहीं है। तू पागल है या मैं सॉरी कहा बात है? और वैसे भी बातें कम हो पर अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी बेशक कम हो पर क्वालिटी होनी चाहिए बाबू। पर आपका वैलेंटाइन डे तो नहीं बन पाता ना। अजी वैलेंटाइन डे कहा मनाना, टेडी तू मो समझ ले, चॉकलेट समझ के मो खा लीजो, गुलाब जैसी तू लगाई है, बस अगली फरवरी तक ब्याह करवा लीजो। आपकी बातें तो दुनिया से ही अलग होती है, कहाँ से लाते हो ऐसी बातें? मेरी बाबू इतनी अलग है तो आपको बातें भी तो अलग होनी चाहिए। अच्छा सुन, नितिन भाई का ब्याह होता ही ना, मेरे ही नंबर है, तू मामला तैयार रखियो, मैं मम्मी से बात कर लूंगा तेरे मारा है। अच्छा और मेरी मम्मी से? ए तेरी मम्मी से मैं ही कर लूंगा बाबू। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मम्मी आ गई, बाय। अरे यार चल कोई ना, क्वांटिटी कम हो पर क्वालिटी होनी चाहिए। और क्या हाल है प्रशांत, कहाँ जा रहा हो? कुछ ना भाई, यहीं तक जा रहा हूँ दुकान तक, आजकल तो दिखाई भी ना देता, और ये टी शर्ट बढ़िया लग रही है, यू कहाँ लिख रहा बिनोमो? बढ़िया तो लगेगी, बिनोमो की है, यही ने तो पूरा खर्चा चला रखा है मेरा। वो कैसे? यू ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन पर 90% तक का प्रॉफिट कमा सके। हम भी कर सके? हाँ यू देखो रेटर सब, जिसमें 25 फरवरी तक विजिट करके इस स्लॉट मशीन के ब्लॉक में फ्री हिट करके अपने गारंटीड प्राइसेस $250 RFT, 200% डिपॉजिट बोनस और $500 तक का बोनस फ्री में मिल सके, वो भी बिना डिपॉजिट करे। और जितना ज्यादा तुम बिनोमो पे ट्रेड करोगे उतने ज्यादा तुम्हें मौका मिलेंगे प्राइजेस जीतने के। भाई पार्टिसिपेट करो, जिसमें तुम्हें मिलेंगे iPhone 15, Samsung Galaxy S23 और MacBook Air जैसे प्राइजेस। बहुत बढ़िया भाई, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सके, और एक गोल कंप्लीट करने पे मिलेंगे $20। बस इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करो और जो मैजिकल लिंक आएगा वहां से अपने दोस्तों ने ज्वाइन करवा दो। ठीक है ठीक है। और यहाँ में 24/7 फास्ट विड्रॉल है 30 मिनट में, फास्ट वेरिफिकेशन है 1 घंटा में, और 1 मिनट में फास्ट सपोर्ट। पर हम सीखेंगे कैसे? अरे भाई बहुत इजी डिजाइन है, और यहाँ ट्रेनिंग और एजुकेशन सेक्शन भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, जाके डाउनलोड कर लो। बहुत बढ़िया मेरे भाई, मैं यहाँ पक्का डाउनलोड कर लूंगा, बस हमें पक्का जाके ना अपने ब्याह की बात करें हम घर पे। ठीक है। ब्याह यार वैसे करना ना चाहिए, बहुत बेकार चीज है। अच्छा भैया खुद अकेले अकेले ब्याह कर ले, हमें मना कर रहे। मेरे अभी बाबू से बात हुई, उन्हें कह रही तुम अपने घर बात कर लो और मेरी मम्मी से बात कर लियो, मैं ब्याह कर लूंगी, बता कर लूं बात घर पे? हाँ हाँ कर लो, बढ़िया रहेगा, कर ले भैया तुरंत कर लो। भाई तेरे तो बाबू बहुत सुंदर है, आंटी भी खुश हो जाएंगी, जल्दी कर ले। ठीक है आज मम्मी से कह ही दे रहा हूँ, अब देखो तुम मजा। यहाँ की बात सुनो, चल ले घर, हम भी देखे कहा कही मम्मी ने। मम्मी मम्मी एक बात सुन लो,
एक बात तो सुन लो, एक बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ मैं लव मैरिज करूंगा, बिना लव के मैरिज का कोई मतलब ना, पहले करूंगा लव फिर करूंगा मैरिज, लव मैरिज करूंगा। चला जा यहाँ से। आदि, यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। हाँ जी भाई साहब। उड़ा समझी? राम राम दी। राम राम हाथ जोड़ के करते हैं भाई साहब। ये ईंट क्यों ले रखी है? यू ईंट तो तेरे टॉट मान लग ले रही है। भाई साहब माना कि आप मजाक करते होंगे, लेकिन अभी हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उड़ा यार समझी तू तो छो हो रहा, इतना बढ़िया रिश्ता हमारा, ऐसी बात ना करते। भाई साहब अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। और अभी नौ तो कहा होगा, आगे तो हो गई तम समी वन जोर की, मतलब रिश्ता कहते एकदम जोर को हमारा। अरे वो सब छोड़िए, अभी आप ये बताइए किस लिए आए हैं। मैं मेरा फोन रहेगा, मेरा फोन गिर गया, बात नहीं हो वाले ना आयु हटू तक मुँह देख। अरे रुकिए भाई साहब, यहाँ कौन सा फोन गिरा है हमको नहीं पता। और ऐसे कैसे ना गिरा, जो हम कहने गिरा 8,500 रुपये लिया मैंने अभी, हटे भी थको मुँह देख। अरे यहाँ नहीं गिरा आपका फोन, मैंने लोगों से लगवाई बाकी रामनू लिख के आ रहा हूँ थारा फोन समझने के यहाँ गिरा, वो पता यहाँ है वो देख कान यार। अरे भाई साहब आपका फोन मिला होता तो हम आपको वापस लौटा देते, किसी का सामान रखने की आदत नहीं है हमारी। उड़ा यार समझ में झाड़ू वाड़ू लगाई होगी, उन्हें लिखा लेकर कहीं धर दिया बक्सा वक्सा बैग वैग में, मैं पूछ ले रहा हूँ अपने आप समझन तू। आप यही रुकिए हम पूछ के आते हैं। उड़ा कम पूछो मैं पूछूँ, एक ही बात है। नहीं नहीं एक बात नहीं है, हम बताते पूछ के, यही रुकिए। रहता गंदे चलौता ना तो बना दूंगा समझी, टॉट में ईट मारूंगा अभी। हाँ चल के, हाँ बंद गेट पे खड़ा होकर आइए आइए चाय पीजिए। अरे अब साला भीतर पौड़ी को मैंने बुला रहा। अरे प्रीति की मम्मी। हाँ जी। उस दिन ये भाई साहब आए थे, इनका फोन गिर गया था, कोई फोन मिला है क्या तुम्हें? फोन नहीं, हमें तो कोई फोन नहीं मिला। वो तो हमें भी पता है, वो तो हम इन भाई साहब की वजह से पूछ रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं तुम अपना काम करो। ये तो फेरे कलो यार, दो मिनट को समझना चाहिए, जी लग जाता यार। भाई साहब हमने पूछ लिया है घर पे, यहाँ किसी का कोई फोन नहीं है। ना मिला? उड़ा यार ऐसे कैसे ना मिला। अच्छा वैसे समझन कहो, दो मिनट को राम राम तो करवा देते उनसे। नहीं नहीं भाई साहब वो नहीं आ सकती, वो कपड़ा धुल रही है। तो कोई बात ना मैं चला जा रहा हूँ। अरे प्रभु आप कहीं ना जाएं, बस आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है समझी, चलूं मैं। हाँ हाँ जाइए जाइए। बेटा समझी अगर समझन जोर की न होती ना तो दो जैसन की तो सिकड़ भी ना देखता मैं। ऐसा यार इतने दूर आया हूँ, समझन एक मेरा और देख ही ले रहा।
और क्यों? अरे प्रीति की मम्मी। हाँ जी। वहाँ क्या कर रही हो? वो आप काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही दरवाजा खोल दूँ। अरे हम चाहे पाताल लोक चले जाएं, गेट तुम नहीं खोलोगी, हम ही खोलेंगे। चलो अंदर। अरे भाई साहब, अब क्या परेशानी है आपको? अरे समझी यार, मैं नु करो दादी ने मेरा फोन किया ना, वाकई विषय चिप धरी मेमोरी कार्ड, मैं वहां के पूछ रहा हूँ, पूछ के इतना कैसे कहीं मिला हो तो। अरे यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला। पूछ रहा थोड़ा जरूरी है वो। अरे ऐसा क्या जरूरी है? वो बहुत जरूरी चिप है, हम कुछ पुरानी चीज और कुछ नंगे नंगे फोटो पड़े हुए हमें। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं? गलत नहीं, मतलब मेरे कुछ पुराने फोटो पड़े हैं और बालकन के जब छोटे छोटे थे ना गोदी में खेल रहे, लोग घुटमन चलक रहे, उनके कुछ नंगे नंगे फोटो पड़े हैं, कभी कोई घर में देख लेता है हमारा, बता रहा हूँ मैं तो बस। अरे भाई साहब यहाँ किसी को आपका कुछ नहीं मिला है। उड़ा यार तो कुछ मिला भी है, फोन तो ना मिल रहा, चिप तो ना मिल रही, पता ना लुगाई कैसे मिल गई इतनी जोर की। अब आप चले जाएंगे यहाँ से? चला जाऊंगा बिल्कुल, अभी चला जाऊंगा, बस एक काम कर दे, समन के हाथ की एक कप चाय पिला दे। दूध नहीं है हमारे यहाँ। अरे यार ले पकड़ 50 का नोट और नाच पैर के पेटीकोट। अरे क्या मतलब जी है? अरे मेरा मतलब तू 30 रुपए की दूध की थाली लिया, मैं भीतर बैठा। अरे हमारे यहाँ दूध भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेरी शकल देख के दोनों एक सारी याद आ रही है, सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुन, मैं पागल हो जाऊंगा। बस यार सुन ला, मैं जेल जा रहा हूँ। चले जाओगे? अच्छा सुना सुना सुनो सुनो जल्दी सुना। कबूतरी सी चाल गर्दन लंबी जैसा मोर की, कबूतरी सी चाल गर्दन लंबी जैसा मोर की, संधि मिलो कहते ढक्कन और संधन मिली है जोर की। हेलो। हाँ जय बिहारी के भाई साहब। भाई साहब हम बहुत ही परेशान हैं आपकी वजह से। अरे हाँ परेशानी, इतनी बढ़िया जगह रिश्ता करा दिया तुम्हारी लड़की को, भेंट तो दही ना जा रही, ऊपर से परेशानी और गिनवा रहे हो तुम भाई साहब नेक थोड़ी। अरे भाई साहब हम अपनी बेटी कुमारी रख लेंगे लेकिन ऐसे आदमी के घर रिश्ता नहीं करेंगे। अरे अरे का बात है भाई साहब? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, ये आदमी बार बार हमारे घर आता है बहाने बनाकर हमारी धर्म पत्नी को देखने के लिए। अरे अब तो समझी समझन है गए तो घर में तो आना जाना लगा ही रहेगा भैया। भाई साहब हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये आदमी हमारे घर की तरफ दिखना नहीं चाहिए, हमारा रिश्ता खत्म। हेलो ये आदमी अपनी कटाएगा और हमारी नाक कटाएगा, अभी जीजी बता तू। अरे उठाओ जीजी जल्दी। जय बिहारी की जीजी। अरे जय बिहारी की बंसी, क्या हाल है? भाई साहब कहाँ है जीजी? भाई साहब तेरे भाई साहब तो खेतन पे गए हैं। अरे जीजी नाक कटवा दी भाई साहब ने हमारी। क्यों कहा हुआ बंसी, कहा बात हो गई? अरे जी खेत बेत में कहूँ ना गए जीजी, खेत बेत में ना गए, ये समंदर के पीछे पड़े हैं, वहाँ के घर पहुँच गए थे। हाँ कहा कह रहा बंसी तू? अरे गलत ना कह रहे जीजी, भाई साहब की इतनी चुल्ल पड़ी है, वो झूठे झूठे बहाने बनाए बनाए के समधन के घर जाने बातें मिलवे को। किसने बताई तो? अरे बाल लड़की के बाप को फोन आया जीजी, वो परेशान है वो इतनो। पर बालकन ने तो मौसम नू कही कि पापा मजाक करे, वे तो समधन की तरफ देखेंगे भी ना। अरे जीजी कुत्ता की पूछ कब सीधी ना है सके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब बंसी बिचौलियों का नाम बिल्कुल मट्टी में मिला दी जीजी, कहाँ बताऊँ तुम्हें। अगर तेरी बात सही हुई ना बंसी तो आज तेरे भाई साहब की खैर ना है। सही निकली 1000% सही है जीजी मेरी बात, वहाँ के दरवाजे पे खड़े होके बार बार चिल्ला रहे समधन जोर की, समधन जोर की, समधन जोर की चिल्ला रहे जीजी। एक काम कर बंसी, जितना जल्दी हो सके हमारे घर आ जा, आज तो तेरे भाई साहब ही रहेंगे या मैं ही रहूंगी। जीजी बस अब आ रहा हूँ जीजी, बस मैं आ रहा हूँ जीजी। रात में बहुआ आ गई।
अरे वहाँ भाई साहब आओ आओ, महाराज आओ, पधारो आओ, बहुत बढ़िया। आए गए जीजी, आए गए जे। बंसी महाराज पैदल पैदल चो आ रहे हो, घोड़ी पे आ जाते, बाकी विदाई करा लाते, संगी ले आते भाई। बड़ी जोर की है, बड़ी जोर की है। और कहाँ कह जा रहा हो, और आज बिला बिला कैसा आ गया तू? अरे तुम्हारा कर्मन की वजह था भाई साहब, तुम्हारा कर्मन की वजह था। बाकी छोड़ो, वो तो मेरे बुलाने पे आया, तुम किसके यहाँ गए बिना बुलाए? मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो बस खेतन पे गया पाने लगाने। अच्छा, दूसरे कौम के खेत पे गए होगे, और वही तुम्हें वो समधन मिल गई होगी। समधन? कौन समधन? अरे देख कितने भोले बन रहे हैं। अरे वही समधन जाकू देख देख के करे, बड़ी जोर की, बड़ी जोर की। जी जी सबरी उतार दी, मैं बता रहा हूँ, ऐसी नाक कटवाई है, पूरे पूरे गांव में है रही है बंसी की, ऐसी बांसुरी बजा दी है नन्ने। मैं बता रहा हूँ जी जी, सबरी उतार देंगे बस। अरे बंसी लड़ाई करवा रहा हमारी, तो उसको से कह दी? अरे भाई ने कह दी, जाके घर गए का है तुम? फोन आया वहां को, मैंने फोन पे बताई वो पे। जी जी महाराज के कहा करिए नन्ने, शायरी सुनाने महाराज के, यूँ कह रहे हैं कि कबूतर सी चाल तेरी, गर्दन ऊंची मोर थी, और ढक्कन मिल को समझी, समधन बड़ी जोर की। जी जी मरो ही ना है बस, मरो ना है वो आदमी, ये आदमी बाकी जब आगे हत्या को कारण बनेगा, बता रहा हूँ, ऐसी नाक बद भाई है, मैं कहा बताऊ जी जी। कहा जा रही है बाबू? सुन तो सही मेरी बात तो सुन। जी जी फोन है गो। तेरे मेरे घर खराब करवा दो, तेरे करवाया होगा ना सब। मैंने करवाई है, मेरी वजह से है रहा। तब तो बड़ी कर रहे हो कि समधन जोर की, समधन जोर की है। अब वो आदमी सालो 400 जगह बोलेगा कि बंसी बिचौलिया कैसे रिश्ते लाते हैं, ऐसे आदमी ने लेके जाता बंसी। अरे सुन तो लगाओ, अरे सुन तो लगा, आज से तुम्हारी मेरी खत्म। बंसी रुक जा, रुक जा, कोता भी बताऊंगा मैं। हाँ हाँ भैया हम तो रुके हैं, पर जी जी तुम मत रुक जाओ, तुम्हें मम्मी का समय में बता रहा हूँ, या आदमी है ऐसे मरण दो। अरे बाबू रुक तो सही, अरे फोन तो ले जा अपना, अरे फोन है तो ले जा। अरे बाबू यार मत छोड़ा, 4 दिन बाद अपने आप ही आएगी। हाँ। चली गई भाभी, अब नेक जाके उन बालकन को देख लियो। क्यों बालकन ने कहा होगा? कहा है का? तुम्हारो सबरो गुस्सा जी जी ने बालकन पे निकाल दियो, जाके उनको देख ले। अपने बाल खेल को ऐसा मारता होगा। और ये मस्तानी कहा हुआ? मस्तानी की छाती पे 2 लात लगी पापा, तब से चक्कर आ रहे हो पापा। हमने तो कोई गलती भी ना करी, तुम्हारा नाम ले लेके मारा मम्मी ने, कहा कर दिया तुमने ऐसा। कुछ ना बात ना छोड़ो, थारी मम्मी तो चलेगी, तुमको बढ़िया से दूसरी मम्मी लेके आऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता तो है समझ कितनी जोर की है।